वेद सागुणं एसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलाढ़े सब सिम परमम हवई मंगलम परमम हवई मंगलम। आज सात मुनिराजों का दीक्षा दिवस, उनकी तरफ से ये गीत। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी हो बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए तेरा करते हैं अभिनंदन, हो तेरा करते हैं अभिनंदन। वंदन 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 सदगुरु चरणन वंदन, हम करते हैं अभिनंदन। बंधन उनका हम करें जिनसे बंध न हो, बंधन उनका हम करें जिनसे बंध न हो, अभिनंदन उनका करें अभिनंदन उनका करें, जिनसे आनंद होए तेरा करते हैं अभिनंदन, हो तेरा करते हैं अभिनंदन। साक्षात हमने अरिहंत देखे चलते फिरते महावीर देखे, ज्ञान का मद नहीं ध्यानी हो गुरुवर, मुक्ति रमा के स्वामी हो गुरुवर, धन्य हुए ये नयन हमारे, धन्य हुए ये नयन हमारे, पाकर तुमरे पावन दर्शन। वंदन 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 सदगुरु चरणन वंदन, हम करते हैं अभिनंदन, हो तेरा करते हैं अभिनंदन। तत्वों का नित होता चिंतन मंथन और मनन है, तत्वों का नित होता मंथन चिंतन और मनन है, गुरुवर विशुद्ध सागर को, गुरुवर विशुद्ध सागर को मम शत शत बार नमन है, मम शत शत बार नमन है, मम शत शत बार नमन है। ओ सत्य को खोजे वो संत कहाए, सत्य को खोजे वो संत कहाए, तिमिर हटा दे वो गुरु कहलाए, सदगुरु जो सद मार्ग बताए, सद मार्ग पर चलना सिखाए, शिवपुर के सब द्वार खुला कर, हो शिवपुर के सब द्वार खुला कर, अब चेतन को कर दे चेतन। वंदन 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 सदगुरु चरणन वंदन, हम कर
बढ़ते हैं अभिनंदन। और अंत में अपनी बात, दी इच्छा तब पाई दीक्षा, दी इच्छा तब पाई दीक्षा, गुरुवर मुझको भी दो दीक्षा, तुम सम मैं भी भीतर जाकूं, तुम सम मैं भी भीतर जाकूं, सदचिद आनंद को ही तलाशूं, सदचिद आनंद को ही तलाशूं, ममता से हट कर मैं गुरुवर, ममता से हट कर मैं गुरुवर, माटी से हो जाऊं चंदन, वंदन 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 सदगुरु चरणन, वंदन हम करते हैं अभिनंदन, हो तेरा करते हैं अभिनंदन। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी, गुरु भगवान की, समस्त मुनि संघ की, दीक्षा दिवस की। आज समक्ष विराजमान है अनुत्त साई महाराज जी, अनुपम साई महाराज जी, इनका दीक्षा दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं। इनके लिए अनंत साई महाराज जी के लिए साथ भेंट करने के लिए श्री ए के जैन जज साहब पटना से आए हुए भक्त परिवार, और भोपाल से मुनि श्री अनंत साई महाराज जी गृहस्थ जीवन के परिजन लोग आए हैं, वो आए महाराज श्री के लिए साथ भेंट करें। आइए वो भी आए महाराज जी को साथ भेंट करें। सभी लोग अनुमोदन करेंगे। और अनुपम सागर जी के लिए ग्वालियर से गुरु भक्त परिवार, कलकत्ता से पाटन जी, जिनवानी चैनल से सत्येंद्र जी, और विशुद्ध देशना चैनल से राहुल जी आए, अच्छा श्री को सिर पर भेंट करें और अनुपम सागर जी महाराज को ग्रंथ भेंट करें। आइए और हमारे भिंड नगर के दो बहुत ही गुरु भक्त हैं जिनकी भक्ति बहुत अपरंपार है, ये श्री आदर्श और सनी आए और आचार्य श्री को सिर पर भेंट करें, जिनकी भक्ति अपरंपार है, जिनकी सदा आचार्य श्री के चरणों में हमेशा सेवा भैया वृत्ति में लगे हुए रहते हैं, और काफी सुंदर उनकी भक्ति है। आचार्य श्री के द्वारा उनको उनके लिए ही साथ भेंट किया जा रहा है, आए और सदा। इसके बाद हम चलते हैं सागर में, सात दीक्षार्थी थे, सात दीक्षाओं ली हुई थी, जिनमें दो मुनि महाराज इस संघ में विराजमान है, बाकी पांच धर्म प्रभावना के लिए पूरे भारत वर्ष में विराजमान है, आदेश सागर जी और आस्तिक सागर जी और आपनित सागर जी, वो छतरपुर में विराजमान है, आस्तिक सागर जी गनौर में विराजमान है, और हमारे अर्जित सागर जी महाराज सिगर जी में विराजमान है, आराध्य सागर जी महान तपस्वी जो उनके उपास जारी हैं वो जैन नगरी में विराजमान है, वहां प्रभावना कर रहे हैं। अब हम चलते हैं मुनि श्री अनुपम सागर जी के चरणों में, निवेदन करते हैं कि स्वामी आप दीक्षा दिवस के उपलक्ष में कुछ हम लोगों के लिए धन लाभ लाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः
दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। मम गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की। कहते हैं कि स्वाति के हर एक बूंद में मोती होने की संभावना होती है, लेकिन जब तक उसे सीपी की योग पात्रता का सहारा नहीं मिलता तब तक वह स्वाति की बूंद मोती नहीं बन सकती। सीपी की पात्रता में जैसे ही स्वाति की बूंद प्रवेश करती है वह बूंद मोती के रूप में उजागर हो जाती है। ऐसे ही हे गुरुदेव, हम आपके पाद मूल में उस स्वाति की बूंद की तरह आए हुए हैं। आप हमारे लिए वह सीपी की पात्रता हैं कि आप ही मुझे उजागर कर सकते हैं। सर्वप्रथम आज हम उन सभी भाइयों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमारे साथ दीक्षा ग्रहण की थी। सर्वप्रथम मुनि श्री अनुत्ता सागर जी के पादमूल में नमस्कार करते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूं कि इस 9 वर्ष में जो भी मुझसे गलतियां हुई मुझे क्षमा करें, और जिस तरह आज तक मुझ पर बात्सल्य बना के रखा है, अपनी करुणा बरसाई है, अपनी दया दिखाई है, ऐसे ही करुणा बात्सल्य प्रेम हमेशा बना के रखना ताकि मेरा भी आपके साथ कल्याण हो सके। सम्मे शिखर में विराजमान मुनि श्री अर्जित सागर जी, छतरपुर में विराजमान मुनि श्री आदित्य सागर जी अप्रमेश सागर जी, गुनौर में विराजमान मुनि श्री आस्तिक सागर जी और उज्जैन में विराजमान मुनि श्री आराध्य सागर जी को मैं यहीं से सत सत वंदन वार करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ कि आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हो मुझे क्षमा प्रदान करें। और इस मंच के समीप बैठे हुए जितने भी मुनिराज हैं सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ कि इस दीक्षा के 9 वर्ष में मेरे से जो भी जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात में विनय अभिनय हुई हो, जैसे ऐसे कोई भाषा का प्रयोग हुआ हो जिससे आपके कोमल हृदय में घात हुआ हो मुझे क्षमा प्रदान करें। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी सत सत बार में बार बार निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव जिस तरह आपने इसे स्वाति की बूंद को एक मोती बनाने का पुरुषार्थ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था। एक एक कागज की कीमत कुछ नहीं होती, लेकिन कागज की कीमत अगर किसी ने बनाई है तो वह एक गुरु ही बना सकता है। कागज तो रोड़ों में भी डले रहते हैं, लेकिन गुरु उसे पतंग बना करके डोर लगा करके ऊंची शिखर पर उड़ा देते हैं कि बेटा तू भी सैर करके आ। ऐसे ही गुरुदेव जो मुझसे भी आज तक गलतियां हुई हो तो क्षमा प्रदान करना,
क्योंकि अभी मैं अबोध हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं था। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी इसी बात को कहता हूँ। मुझे तारीफ के काबिल बनाया आपने गुरुवर, मुझे तारीफ के काबिल बनाया आपने गुरुवर, नहीं कीमत हमारी थी मुझे अपना बनाया है। मुझे तारीफ के काबिल बनाया आपने गुरुवर, नहीं कीमत हमारी थी पड़ा था मैं उस पथ पर था। मुझे हाथों में ले करके तुमने ऐसा उठाया है, देखे संस्कार हीरा सम बनाया आपने गुरुवर, देखे संस्कार हीरा सम बनाया आपने गुरुवर। आज के ही दिन मुझे जब आचार्य भगवान ने दीक्षा दी, तो आज आठ तारीख ही क्यों दी मैं इस ये बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी आज से जो यात्रा हुई थी, जब मेरे जीवन की जो यात्रा शुरू हुई तो आठ से ही शुरू हुई थी, और मेरी जो यात्रा बंद होगी तो वह आठ में ही पूर्ण होगी, क्योंकि मैंने आठ मूल गुणों को प्राप्त करके, अष्ट मूल गुणों को प्राप्त करके आचार्य भगवान से आठ तारीख को उस 28 मूल गुणों को प्राप्त किया था। इसलिए कि आचार्य भगवान मैं उस 28 मूल गुण का पालन करते करते तो आठ मूल गुण को पा जाऊं जो सिद्धों ने प्राप्त किए हैं, उसी के मूल गुण को प्राप्त करने के लिए मेरी जो यात्रा आठ से आठ की ओर चल रही है। इसलिए मैं इस आठ तारीख को अपने धन्य मानता हूं। आज मैंने अपनी माँ से सपने में पूछा कि माँ भगवान मुझे बनना है, अब मुझे किसी की शरण नहीं चाहिए, मुझे किसी के पास नहीं जाना। मैंने देख लिया है कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं बना सकता। तो माँ ने कहा बेटा तुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा, अगर तुझे भगवान सा बनना है। तो मैं उठा और सर्वप्रथम भगवान के द्वार पर गया और भगवान से बोला कि भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे आपसा बनना है, अब मैं और कहीं नहीं जाना चाहता। तब भगवान ने मुझसे कहा कि बेटा अगर तुझे मुझसा बनना है, मेरे जैसे तुझे बनना है, तो सर्वप्रथम तुझे गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मैं बन के बैठा हूँ मैं अपने से नहीं बन के बैठा हूँ, मुझे बनाने वाला मेरा गुरु है और तुझे भी मुझसा बनाने वाला तेरा गुरु ही होगा। इसलिए जाओ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर के पादमूल में रहना और वो ही तुम्हें भगवान सा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। महाराज काफी सुंदर उद्बोधन दिया संक्षिप्त में, उन्होंने अपनी पूरी बात रख ली और सभी महाराजों के प्रति अपने क्षमा भाव रखे। अब हम चलते हैं ऐसे तपस्वी महाराज जिन्होंने संग में रहकर बहुत ज्यादा अपने आप को तपस्या में तल्लीन रखा है, ऐसे मुनि श्री अनुत्तर साय महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि महाराज जी हमारे लिए धर्म लाभ देवे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमो लोहि सब साफ
युधिष्ठिर भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, गुरुराम भू गणाचार्य श्री ब्याख सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि महाराजों की, अहिंसा मय विश्व धर्म की, स्नान करना, उनका बखान करना चाहिए, लेकिन किसी के पास एक से अधिक काम हो तो वो क्या करे। मेरे पास भी एक से अधिक काम है। जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती को एक साथ तीन सूचनाएं मिली थी, तीर्थंकर उनके पिता आदिनाथ भगवान को ज्ञान की प्राप्ति, तीर्थंकर के पोते भरत के पुत्र की प्राप्ति, और भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती की प्राप्ति। तो भरतपति सोचता है कि क्या करें, पहले पुत्र का उत्सव मनाए कि चक्रवर्ती की प्राप्ति की खुशी मनाए, कि तीर्थंकर के केवल ज्ञान के समोसन जाके समोसन की पूजा करें, भगवान की पूजा करें। ऐसा ही आज तीन बातें मेरे सामने हैं कि मैं अपने बारे में कुछ कहूं कि आचार्य श्री जिसने मुझे दीक्षा दी जिन्होंने उनके बारे में कुछ कहूं, और जिनने उनको दीक्षा दी आचार्य गणाचार्य ब्याख सागर जी महाराज, उनका आज 28वां आचार्य पदारोहण दिवस है। 28 साल पहले उन्होंने दौड़गिरी में दमन सारा महाराज के आशीर्वाद से उनको आचार्य पद मिला था। मैं उनको यहीं से परोक्ष में बिंदु में विराजमान है, तय भक्तिपूर्वक उनको कोटि कोटि नमस्तु करता हूं कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अब रही गुरुवर की बात, तो गुरुवर को के बारे में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाना होगा। वो सभी उनको जानते हैं, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो नादान हूं, अबोध। आए वही दुर्लभता से प्राप्त की हमने, इस जीव ने अपनी यात्रा निगोद से प्रारंभ की, निगोद गति से निकल गया एक जीव, इस सवा पर्यायों को प्राप्त हुआ, 10 पर्यायों को प्राप्त करते कुत्ते किसी पुण्य के उदय से मनुष्य बना, और मनुष्य गति में भी उत्तम कुल पाना, जैन कुल पाना, ये महान सौभाग्य की बात है। और तीर्थंकर कहते हैं कि जिस कुल में दीक्षा ली जाती है वही उत्तम कुल कहा जाता है। जब आचार्य श्री 2002 में भोपाल आए थे तो चतुर्मास के बाद पिछली परिवर्तन था, हमने आचार्य श्री से कहा, उस समय मुनि थे, कि हमें पिछली दे दें आप पुरानी, तो नहीं दी उन्हें पुरानी पिछली, शायद उनके मन में आ गई होगी कि हम आपको पुरानी क्या नई पिछली देंगे, और उन्होंने 8 नवंबर 2011 आज के दिन हमको नई पिछली प्रदान की, और एक पाषाण था उस पाषाण को मूर्ति बना दिया। लेकिन कोई भी पत्थर, कोई भी आत्मा, कोई भी जीव एक हो के संस्कार से मुनि नहीं बन पाता था, भगवान नहीं बन जाता, अंत भवों के संस्कार लग जाते हैं जब कहीं वह तीर्थंकर मुनि बन पाता है। तीर्थंकर जैसी आत्माओं को भी 10-10 हो लग गए जब कहीं वे तीर्थंकर बन पाए।
संस्कार काम आते हैं, लेकिन संस्कार काम आते हैं। कहते हैं कि जब हमें कोई ना कोई नियम लेना चाहिए, घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। कोई भी छोटा नियम हमें लेना चाहिए। आज दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, हमने तो दीक्षा ले ली, अब दीक्षा दिवस आप लोग क्यों मना रहे हैं? कि भविष्य में हमारी भी दीक्षा हो, ये भावना है तो दीक्षा दिवस मानने का उद्देश्य है, तो नहीं है तो कोई उद्देश्य नहीं। तो कम से कम कोई भी का दीक्षा दिवस हो, किसी का भी हो, तो कम से कम एक छोटा नियम हम लें, हम भी एक सीख, हम सब आगे तो बढ़े। फिर क्या हुआ, जब हमारी दीक्षा पक्की हो गई तो फिर एक बार आचार्य से फार्मेलिटी पूरी करना पड़ती ना, बुलाया घर वालों को, फोन लगवाया, तारीख पक्की हो गई, 8 तारीख को दीक्षा है, तो कोई नहीं आया। तो हमारा भाई आया, छोटा भाई जो है वो भी काम से आया था, पास में कोई आया था, तो सागर आ गया। आचार्य सिंह दोपहर की क्लास, समय सारी क्लास में जा रहे थे 3 बजे, तो मंच पे पहुंचा वो। आचार्य सिंह बोल, भाई ये दीक्षा लेने की बोल रहा है। तो आचार्य सिंह अविनाश भैया जो थे वो बोले कि भाई आचार्य सिंह उनको लेना है, आपको देना है, उनको लेना है, आपको देना है, मैं बीच में कौन होता हूं? जब मियां बीवी राजी तो क्या कहेगा, काजी। तो दीक्षा तो होनी थी वो तो, लेकिन आचार्य सिंह एक पूरी फार्मेसी करते हैं। समय हो गया है मेरा कि पंचम काल में हमने जन्म लिया है। यहां कोई लोग पटना से आते हैं, पटना जाते हैं, मैं सुनता हूं कि 4 घंटे लग गए पटना आने में, कोई कहता है 7 घंटे लग गए पटना से आने में, मत 50-60 किलोमीटर आने में उसको 7 घंटे लग जाते हैं। तो जज साहब लिखा था ना बोर्ड पे कि पुलिया कमजोर है, मार्ग संकीर्ण है, संभल के निकलना, तो कहीं आप अपनी गति से ही चलेंगे तो कहोगे पुलिया के ऊपर की पुलिया के नीचे, पुलिया के नीचे होंगे। ऐसे ही ये में भगवान संत गुरुवर समझाते हैं कि भाई ये पंचम काल है, संकीर्ण समय है, कम समय है, हमारी आयु नहीं है तीर्थंकरों की जैसी। आदि भगवान 83 लाख पूर्वक भोग भोगते रहे, 50-100-120 साल आई हो पंचम काल की। समझा रहे हैं कि समझ जाओ कि छठा काल आने वाला है, और फिर भी हम नहीं समझे तो फिर से कोई बचाने वाला हमको नहीं है, हमको छठे काल में जाना ही पड़ेगा। हम ये आपादापी कर रहे हैं दिन भर, क्यों कर रहे हैं? कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। नमक तेल लकड़ी पीने के लिए दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। बस इन 3 चीजों के लिए तो आदमी समय से शाम तक लगा हुआ है। तो इन 3 चीजों का हम त्याग करेंगे तो हमें मुनि बन सकते हैं। अब मुनि बनने का उद्देश्य क्या है? तो मुनि बनने का उद्देश्य एक ही होता है, समाधि मरण। अगर हमने समाधि मरण नहीं कर पाए तो कुछ नहीं किया। तो मुनि भवन मनना तो एक मंदिर के समान है।
और मंदिर के ऊपर क्या होता है, शिखर होता है। शिखर के ऊपर क्या होती है, कलश। जब तक कलश नहीं, जब तक उस मंदिर कोई कीमत नहीं होती। हम मुनि बन गए, हमने कहा समाधि में नहीं किया तो हमारी कोई कलश नहीं चला। तुम अपने जीवन पर कलश चलाने की कोशिश करे। हम बात तो बहुत करते हैं कि हमारे बेटे अच्छे होना चाहिए, हमारी बेटियां अच्छी होना चाहिए, हमारे घर में राम को कैसे जन्म ले। लेकिन आपको भी दशरथ तो बनना पड़ेगा ना, आपको वासुदेव बनना पड़ेगा। हम दशरथ बनना नहीं चाहते, हम वासुदेव बनना नहीं चाहते, हम स्वयं होटलों पर खाना चाहते हैं, तो बच्चे तो हमसे आएंगे। हम मुनि बन कैसे गए, ये संस्कार कहीं ना कहीं घर के भी संस्कार होते हैं। मैंने मेरे सामने घर में मेरे माता पिता को कभी रात्रि भोजन करते हुए नहीं देखा। मैंने अपने माता पिता को कभी घर में रात्रि भोजन करते हुए नहीं देखा, अरे उन्हें किया ही नहीं, त्याग था उनका जब से शुरू से। कभी उनको ग्रंथ खाते हुए नहीं देखा मैंने। इस संस्कार हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर भी आए। जब संघ में प्रवेश की बात आई थी तो वो भी एक कैसे में आ गया कहीं मालूम मुझे, जब आचार्य श्री पांचवी बार भोपाल आए थे 2009 में अयोध्या पंचकरण कराने के लिए, तो हमारे बहन और जीजा जी उसमें भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था उनको। तो हम भी पंचकारक में वैसे तो जाते ही थे, लेकिन पूरे दिन उसी में रहे, कार्यक्रम में रहे, शायद वे माता पिता नहीं बनते तो हम उस पंचकारक में नहीं जाते। मेरे सामने विराजमान है, आपके यहां आए हैं। तो हमने आचार्य श्री से कहा कि हमको आचार्य श्री दो प्रतिमा चाहिए, डायरेक्ट दो प्रतिमा चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत तुम्हारा पहले से था आजीवन, आचार्य श्री को ही मालूम थे तो 8 साल से, तो आचार्य श्री वैसे परिवार के लोगों को बुलाते हैं, कुछ भी काम करते तो वहां मंच के बल में ही पूछे थे। तो अध्यक्ष मंत्री वहीं खड़े थे, भोपाल के जो अध्यक्ष थे मंत्री थे, आचार्य श्री उनके इशारा किया भाई ये प्रतिमा लेने की बोल रहा है, संघ में आने की बोल रहा है। तो वो भी जानते थे कोई काम का तो ही नहीं हमारे, क्योंकि तो सबको मालूम था, खुली बात थी कि ये ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन। तो नहीं बोलिए दे दो, तो आचार्य श्री ने उस दिन हमको दो प्रतिमा दे दी थी। वो हमारा कल्याण किया, समय तो हो गया लेकिन अब बोलना है, 1 साल बाद माइक मिला है मेरे को आज। 8 नवंबर 2011 को माइक मिला था भिंड में, और आज 8 नवंबर 2011 20 है। जब रावण से युद्ध करके राम जी लंका से वापस अयोध्या आए तो सबको वो सम्मान कर रहे थे, सबको पद दे रहे थे, किसी को किसी नगर का राज दिया, किसी को किसी नगर का राज दिया। तो हनुमान से भी कहा भाई तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान बोले भाई देखो मैं तो आपका पक्का चेला हूं, आपने सबको एक एक पद दिए, मैं आपसे 2 पद लूंगा। रामजम जी घबरा गए, भाई अब ठीक है पक्का चेला तो है, तुम 2 पद मांग लो भैया। तो हनुमान कहते हैं भाई रामचंद्र जी मुझे 2 पद चाहिए आपके, आपके 2 चरण चाहिए, वो 2 चरण छोड़ के मैं कहीं ना जाऊं। वही मैं आचार्य श्री से प्रार्थना करता हूं कि मेरा आपके चरणों में दय पादे मम हृदय, आपके चरण कमलों में मेरा अंतिम समाधि मरण हो। और आज सप्तमी का 6 है, क्या है आज सप्तमी का 6, ऐसे मेरे अष्ट कर्मों का 6 होके अष्ट गुणों की प्राप्ति हो और मोक्ष में गमन हो, इसी में गोया छवि सागर जी महाराज की महाराज की बहुत ही 900 उपवास पूर्ण हो चुके हैं उनके,
900 उपवास उन्होंने अभी पूर्ण किए हैं। बहुत ही अच्छी उनकी तपस्या चल रही है इधर वासुकुंड में। हम अब चलते हैं आचार्य भगवान के पावन चरणों में, निवेदन करते हैं भगवान हमें भी अज्ञान तिमिर का नाश कराएं और न्याय आदि आदि ग्रंथों का हमें भी सिखाएं और आगे चल के हम भी इस दुनिया में आपकी भांति इस संसार के सभी प्राणियों को न्याय आदि का ज्ञान दें। नमोस्तु आचार्य श्री। हम सब पूछते हैं तीर्थंकर देव के प्रेम स्तेश का जिनेन्द्र वेरे मनुष्य जगत के लड़े हैं ऐसे बुद्ध शासन मनुष्य शासन जीवन तो जीवन तो मित्र सुबह संस्कृति भगवान श्री बुद्ध ने वस्तु तत्व को जैसे जाना है वैसा वसुंधरा के प्राणी बोध को उद्घोषित किया है। ज्ञान जो है वही कल्याणकारी है। प्राण के बिना प्रणय का बोध नहीं होता। प्रणय प्रणय है, प्राण प्रणय प्रणय है। सकल प्रमाण के माध्यम से सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप को जाना। सकल प्रमाण से जानने वाले परमात्मा के कैवल्य की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि पर विचार करने वाले जगत में बहुत पड़ी है। उपलब्धि के उपाय की बात करने के लिए आपको कैवल्य के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको मतुसूत ज्ञान के पास आना पड़ेगा। जिस कैवल्य के माध्यम से भगवान ने सत्यार्थ का बोध दिया है उस कैवल्य को प्रभु ने प्राप्त कैसे किया है उसके लिए एक पंडित मतुसूत ज्ञान के पास आना पड़ेगा। और मतुसूत के साथ साथ मति गुण हो जाएगा, सुख प्रधान हो जाएगा। व्यक्ति पर वैराग होगा तो सत ज्ञान का आगमन होगा। चारित्र का निर्देश पालन होगा, सत ज्ञान का आगमन होगा। इस सत ज्ञान के माध्यम से, सत प्रमाण के माध्यम से ही केवल प्रमाण की सिद्धि होगी। श्रुत प्रमाण के माध्यम से ही कैवल्य प्रमाण की सिद्धि होगी। कैवल्य परगत कैवल्य ज्ञान के माध्यम से जो आपको बोध हुआ है उसके माध्यम सुगत कैवल्य को प्रकट करना है तो श्रुत ज्ञान के पास जाना पड़ेगा। तो बहुत गहरा विषय है। जितने जगत में मनराज है, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत है, ये तीनों परमिष्टि आगम के आंख से देख रहे हैं। आगम चकोत्सव हो आगम की आंख से देख रहे हैं। वो आगम जो है आप्त के वचन है, आप्त के वचनों का आश्रय लेता है जीव। वो आगम का आश्रय लेकर के आत्मा का अनुष्ठान करता है। आश्रय में आगम है, अनुष्ठान आत्मा का है, अनुष्ठे निज परमात्मा है। पुनः समझना, परमात्मा के प्रमाण से अपनी प्रमाणिकता को जाना, अपनी प्रमाणिकता को जान करके शुद्ध प्रमाण के माध्यम से प्रमाता, शुद्ध प्रमाण के माध्यम से प्रमाता आत्मा का अनुष्ठान करता है। आत्मा के अनुष्ठान पूरक जिसने कैवल्य के
वाणी को सुनकर के आत्मा का अनुष्ठान करना प्रारंभ किया था, वही जीव कैवल्य को प्राप्त होता है। सागर जी अपने अनुष्ठान में लगे हैं, दूर उपवास के साधन ये इनकी अवश्य कैवल्य की ओर लेके जाएगी। अनुपम सागर वो भी एक उपवास एक हार में लगे हुए, आराध्य सागर निश्चित मिश्रित कर रहे हैं, अग्नि सागर उस संघर्षगर में साधना कर रहे हैं, आदित्य सागर छतरपुर में अपने सागर दोनों महाराज छतरपुर में आगम के अनुष्ठान में लगे हैं, आस्तिक सागर गुहर में वे अपने धर्म प्रणाम में लगे हैं। इन सातों को सातों महाराज सप्त ब्रह्म स्थान में अंतिम स्थान है अनंत अवस्था शुद्ध अवस्था की सिद्धि को प्राप्त हो। जितने दिन आज तक इस साधना के मार्ग पर पूर्ण किए हो वो दिन तो गुण कर दें, भविष्य के जितने दिन आए वे सारे दिन साधना में जाए और साध्य की सिद्धि करें, यह मंगल आशीष आत्मा के सिद्धि के लिए प्रमाण को समझने की आवश्यकता है। अभी तक आप लोगों ने एक विषय समझा जगत के लोगों से मन को समझना चाहिए, मोक्ष मार्ग में मन को संभालना चाहिए। मन इतना प्रसिद्ध होकर जैसा हर व्यक्ति कहता मन को संभालना चाहिए, सत्य है मन को संभालना चाहिए। इंद्रियों प्रवृत्ति मृत महापुरस्मा जितेन्द्रिया इंद्रियों की प्रवृत्ति में निवृत्ति में मन प्रबल है, मन स्वामी है। जिसने मन को जीत लिया है मित्र उसको जगत में कोई जीत नहीं सकता। जो मन के बस हो गया है वो दुनिया के परवश रहेगा, जिसने मन को बस नहीं किया वो जगत के परवश रहना ही पड़ेगा। जो मन को बस किए हैं उसका जगत बस होता है। गोंदिया ये परम सत्य है, जिस जीव ने मन के बस अपने आप को छोड़ दिया है उसको इंद्रियां कभी छोड़ नहीं सकती। जिस जीव ने मन को अपने वश में कर लिया है जगत उसका चरण में शीश टेकता है। समूह के पादमल में साधकों के मस्तिष्क चोट टेकते लोग मन के बस में चले, मन को बस कर लिए हैं और मन के अनुसार जियोगे तो 100% संकल्पता के बाहर तुम आ नहीं सकते। शब्द के स्थान पर आकर के संकल्पता में ही तुम जियोगे। बालक ऋषभ मन तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, मन बहुत चाहता है। उस मन से कहना आप चाहना ही जानते हो कि पुण्य पाप को भी पहचानते हो। तो शब्द को पकड़ कर सुना, अपने अपने मनों से कहना कि हे मन तू चाहता ही है कि पुण्य पाप को भी जानता है। बालक अभी सब पड़ोसी भैया से पूछना आपको गाड़ी में चाहिए 50 तोले की चैन भी चाहिए, सुंदर भोजन भी चाहिए, अपने मित्र से पूछना और कहना भैया तू एक बता पिताजी की क्षमता कितनी है।
इस बात को बेटों को समझना चाहिए। मांगो, खूब मांगो आप, इस बात का ध्यान करके मांगना कि पिताजी की क्षमता कितनी है। कर्ज लेके तो नहीं गाड़ी लेंगे, तो दीपावली को गाड़ी मांग रहे पिताजी से, मोबाइल चाहिए 70-50 हजार का, लाख का मोबाइल चाहिए। बेटा, इसकी एक आंख पर उठा ले गया तो अपने पिताजी के साल भर की मेहनत को एक मिनट में नष्ट कर दिया। विशेष कहना उसमें तुम करोगे क्या? जो समय पिता की सेवा में, मां की सेवा में लगाते थे, मंदिर में लगाते थे, जैसे जैसा हाथ में फोन आता है माता पिता की सेवा समाप्त, अब मोबाइल में पता नहीं किसकी सेवा अधिक करेगा। पंडित जी, बेटे बेटियों से कहना मित्र, जब तक चित्त पर में नहीं गया तब तक ये परमेश्वर के दर्शन है, जब तक चित्त पर में नहीं गया तब तक ही माता पिता दिखाई देते। बालक मांग रहा पिता से बहुत सारी सामग्रियां, लेकिन अपने पिताजी की योग्यता को नहीं देख पा रहा है। बेटा, तुम बड़े हो चुके हो ऋषभ, अब पिताजी से मांगने के पहले सोच लेना कि पिताजी कमाता कितना है। पिता मेरा, जैसे पिता की योग्यता पर निर्मल भैया बालक अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो पिता मुस्कुरा के उसकी इच्छा की पूर्ति भी कर देगा और रुदन भी नहीं करेगा, कर्ज भी नहीं लेगा। और बेटे ने पिता की क्षमता से बाहर मांग लिया है तो विश्वास रखना उसी क्षण पिता क्लेश से भर जाएगा, पूरे घर की खुशहाली तुम्हें समाप्त कर दी। जैसे समझदार पुत्र अपने जनक से, जनक की योग्यता से वस्तु मांगे, ऐसे समझदार पुरुष अपने मन से कहे, मेरे मन तू मचलता बहुत है, मांगता बहुत है, पर पुण्य पाप की योग्यता को नहीं देखता है। पुण्य अल्प है, मन की मांग बहुत है। आप उसमें हलचल मच जाएगी, क्लेश ही क्लेश है, क्लेश ही क्लेश है। यदि नहीं मिली वस्तु बेटे को, बेटे मचल के घर से बाहर चला गया, मित्र विश्वास रखना छीन पुण्य तुम जहां भी जाओगे तो ठीक करके आओगे। अपने मन से कहना पुण्य छीन है, आकांक्षा बढ़ा सकते हो लेकिन लौट के तुमको धक्का ही लगेगा, इससे अच्छे वे लोग हैं आकांक्षाओं से मिले ही ना। मन को मनाने की बात जगत के लोगों ने कही है, मन को मनाने के लिए हर व्यक्ति कहता है, हर दर्शन कहता है मन बस कर लो, लेकिन आज हमको मन बस करने की बात नहीं करना है, आपको प्रमाण बस करना चाहिए। प्रमाण बस करना चाहिए, मन है कौन सी वस्तु, मन ज्ञानियों जड़ मन कुछ कर नहीं सकता है, वो तो छोटम स्थान है। जो भाव मन है वही आत्मा का ही परिणाम है, अशुद्ध आत्मा में ही भाव मन होता है, मोही आत्मा ही भाव मन का काम होता है। द्रव मन तुम मित्र तीर में गुणस्थान में भी है, द्रव मन की रचना 14वें गुणस्थान में भी है, लेकिन रचना ही है, मन का काम नहीं है। मन बस करने की बात कर रहे हो, ज्ञान बस कर लो, मन बस हो जाएगा।
दृष्टिपात करो, शुद्ध प्रमाण पर दृष्टिपात करो। जो मन जा रहा है उसको बेचने वाली कौन सी वस्तु है? आत्मा का लक्षण मन नहीं है, आत्मा का लक्षण इंद्रिया नहीं है, आत्मा का लक्षण चेतना है। जीव का लक्षण चेतना है, जीव का लक्षण मन इंद्रिय नहीं है, और चेतना जो है ज्ञान दर्शन है। इसलिए यहां पर जिस ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं ज्ञान सूत्र में, जैन तत्व बहुत सत्य है, जिससे तत्व का बहुत हो। जैसा ये मूलाचार्य जी की गाथा है, दिगंबर जैन परंपरा में आचार्यों का यह प्रधान सूत्र है। दिगंबर जैन परंपरा में यह आचार्यों का प्रधान सूत्र ग्रंथ है और सत्य है, संपूर्ण जैन परंपरा का मुख्य ग्रंथ है। कारण शेष परंपराएं उत्पन्न हुई है, मूल परंपरा एक कास्ट परंपरा है, प्राकाष्ठा को प्राप्त परंपरा है। जो स्वीकार किया जाता है वो स्वभाव नहीं होता, जो स्वभाव होता है उसमें कुछ स्वीकार नहीं होता है। आइए जितने सात मुझे जिस मार्ग को चुने हैं वो मार्ग ये है। जगती पर साधु बनना होता तो तिलक की आवश्यकता पड़ती है, जगती पर साधु बनना होता तो मेरे मित्र कोई ना कोई भेष बनाना पड़ता है, उनको अनेक प्रकार के श्वेत पीले भगवा आदि आदि अनेक प्रकार के वस्त्रों को लोगों ने स्वीकार किया है, वे वस्त्रों से साधना को पहचानते हैं। जबकि भेष तो साधना का मार्ग नहीं है, साधना आत्मस्थ मार्ग है। वस्त्रों से आप अपने साधना की पहचान ना कराएं, भावों को देखें। जैसे श्वेत वस्त्र है ऐसे श्वेत प्रणाम वस्त्रों से नहीं होंगे, नित्र श्वेत प्रणाम परिग्रह के त्याग से होंगे। यदि आकाश पानी से भरे बादलों से युक्त है तो बादल जब साफ काले दिखते हैं और बादलों का पानी बरस जाए भी बादल श्वेत हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों जिनके वस्त्र धागा मात्र का परिग्रह हट जाए, इनके प्रणाम श्वेत हो जाए, और श्वेत प्रणाम शक्ति ही साधु पुरुष होता है। सुपिलिस्या वस्त्र आदि में साधुता के दर्शन करना कोई अनिवार्यता नहीं है। तो मात्र कपड़े उतार के बैठ जाना, इसमें साधुता के दर्शन करना ये भी अनिवार्य नहीं है। जिस शुद्ध प्रमाण को सुना लिया है अवधि ज्ञान गुण है, वहां पर ज्ञान गुण है, मन मति ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की चार प्रणियों को गुण करके मैं देख रहा हूं। श्रुत ज्ञान को सामने रखो, जब भी तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा तो पंडित जी श्रुतिना स्वस्थ होगा। श्रुत को समझने के लिए आपको लिंगेना अनुमान को लेके आना पड़ेगा, उसको तो लिंग के माध्यम से महात्मा बोले जी अभी कुछ कह रहे थे मुझे समझना है, समझना तो समझिए। श्रुतेना लिंगेना, श्रुत से लिंग से अनुमान से आगम से यानी श्रुतेना गुरु और अभ्यास, गुरु उपदेश अभ्यास
अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। वो अभ्यास प्राप्त किया, अभ्यास छोड़ दिया, चार दिन में तुम्हारा ज्ञान समाप्त। सुंदर महल बना लिया, निर्मल गोंदिया, लेकिन कभी झाड़ू लगाने मत जाना, देखने मत जाना। मित्र मकड़ी जाल बना लेगी, चम्मक का दड़ा के चिपक जाएंगे, कबूतर अपना राज्य करेंगे और जमीन पर मेरे मित्र गंदगी भी बनाएंगे, मक्खियां भी बनाएंगे, पर महल की कोई सवारी होगी। ऐसे तुमने युवा अवस्था में दिगंबरी दीक्षा ले ली, लेकिन आपका श्रुत में लक्ष्य नहीं है, आपका अभ्यास में लक्ष्य नहीं है, गुरु उपदेश पर लक्ष्य नहीं है। कसायों के मकड़ जाले लग जाएंगे, मोह के चमकाल चिपक जाएंगे, ज्ञानी 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 और विकारों की कचरा फैल जाएगा। आप अपने चारित्र के महल को स्वच्छ नहीं रख पाओगे, इसे प्रतिदिन गुरु उपदेश मिलना चाहिए, प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए, प्रतिदिन श्रुत का पान होना चाहिए और प्रतिगण प्रतिज्ञान करते रहना चाहिए, प्रतिज्ञान करते रहना चाहिए। यदि खाने को जैसा एक ही रोटी मिले उसमें भी भले एक चावल प्रमाण रोटी को त्याग कर देना, थाली में 50 सामग्री आई है उसमें एक सामग्री हटा देना, तो एक कार जैसा आशी करना है। इससे क्या होता है, इसको मैं बताता हूं क्या होता है। बुद्धि पूर्वक भी अपने थाली से सामग्री हटाई है, बुद्धि पूर्वक भैया एक ग्लास भी छोड़ना कठिन है रागी को, और जिसने अपने थाली से एक सामग्री हटा दी है इस जीव ने त्याग के संस्कार डाल लिए, और एक सामग्री थाली से हटते हटते एक ऐसा दिन आएगा कि गृहस्थी से भी हट जाएगा, संसार से हट जाएगा, नित्य कर्मों से भी हट जाएगा। गुटखा खाना सीधा कौन सीखता है, देखता है, संगति करता है, ऐसे दाने चखता जाने जाके एकांत में कौशंडासे में खाने लग जाए, विष्णु पर तुम्हारी दृष्टि जा सकती है। जैसे आप सात बसंत तो आपने अनेक बार सुने हैं, नीति वाक्य आचार्य सोमदेव सूर्य ने 18 प्रकार के विष्णु की व्याख्या की है। उस सत्यार्थ बोध में 18 के 18 विष्णु की व्याख्या की गई है। मित्र 18 विष्णु में एक मिश्र है। मित्र किसी व्यक्ति के चाल चलन को बार बार देखना, गीत संगीत सुनना सुनाना विषण है, और इस विषण में जो लिप्त हो जाता है सुनते सुनाते व्यक्ति अपने आप को शून्य कर बैठता है। विषण शब्द का अर्थ वैसे आदत है, परंतु जैसे पाखंडी शब्द बहुत पवित्र है, विषण शब्द भी पवित्र है, लेकिन जब उसका मार्ग प्रवर्तित हो जाता है तो बदनाम होने लगता है। पाखंडी शब्द का अर्थ है जो पापों का खंडन करे, ऐसा वेद त्यागी दिगंबर मुनि सच्चा पाखंडी है, सच्चा पाखंडी है। समय सार में तो कुंद देव ने गुरु को पाखंडी कहा है, पाखंडी लिंग कहा है, गृह लिंग कहा है, मुनि लिंग पाखंडी लिंग है और गृह लिंग श्रावक का लिंग है, ये लग चुल लगे सब गृह लिंग है। बराबर पंडित जी,
वो पाखंड मूर्ता की व्याख्या की है आचार्य समन्तवद स्वामी ने रतनखंड शाकाचार्य जी में, तो यही तो कहा है कि जो गुरु नहीं है उनको गुरु जैसा मानो, पाखंड मूर्ता है, और गुरु को गुरु मानना ये मूर्ता नहीं है पाखंड, ये पाखंडी सेवा है। तो जैसे पाखंड शब्द लोगों ने बदनाम कर दिया, बलि शब्द जो ना हमारे जिनागम में दुनिया जी में प्रयोग किया गया है, बलि शब्द का प्रयोग जिनसे समय ने किया है, समूह के चारों ओर बलिपीठ होता है। अब बलिपीठ होता का मतलब लोगों ने उस पीठ पर जीवों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया, हमने बलि शब्द को हटा दिया है, जबकि बलि का अर्थ होता नैवेद्य, जहां पर आप उस घर से द्रव लेके आते हो, सुंदर पाशुक निर्जंतुक उस द्रव को चढ़ाना जिस पेदी पर, उसका नाम होता बलिपीठ। लेकिन क्या करोगे, लोगों ने नैवेद्य की जगह जीवों के सिर निकाल के रख दिए, हमने बलि शब्द को गौण कर दिया। इसी प्रकार से विषण जो शब्द है इसका अर्थ है आदत, अच्छी भी आदत हो सकती है आदत। विषण शब्द का बाथरूम जो अर्थ हो उसका नाम है आदत, एक अच्छी आदत डालना। तो मैंने कहा जज साहब अपनी थाली से एक सामग्री हटा देना, ये अच्छा विषण है, अच्छी आदत है, लेकिन विषण बुरी आदत में चला गया, सो सात विषण जैसे नाम आता है तो खोटी जगह चला जाता है। किसी भी भेष में, किसी भी शब्द में पंडित साहब, किसी भेष में, किसी भी शब्द में, किसी पद में गलत काम नहीं होना चाहिए। जो भेष आत्म कल्याण के लिए चुना गया था उस भेष में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग जैसे वैदिक दर्शन में कहा जाता, सुब्रत सागर जी रावण साधु का भेष बनाकर सीता का हरण कर ले गया, तो छोटे छोटे बच्चे ने माताओं से पूछना जब घर में रोने लगते हैं तो माँ क्या बोलती है, ए बालक चुप हो जा नहीं तो बाबा उठा ले जाएगा, मतलब बाबा बदनाम हो गया रावण के चक्कर में, बाबा बदनाम हो गया, बोले बाला उठा ले जाएगा। परंतु दिगंबर बाबाओं के पास मुनियों के पास थैले ही नहीं है, धागे ही नहीं है, मेरे मित्र किसी को कोई डर नहीं लगता, डर उनको लगता है जहां थैले रखते हो, डर उनका लगता है जहां मेरे मित्र, आजकल तो जेबें इतनी बड़ी होगी पूरी घर गृहस्थी उसके अंदर घुस जाए, हो डर वहां लगता है जहां जेब छाप होते हैं, वहां डर नहीं लगता जहां दिगंबरत्व होता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए, सर्वाह सागर जी इस बात का ध्यान रखा जाए कि पुण्य नहीं आए। सुमित सागर जी ये पुण्य क्या कह रहे थे, दिल्ली में सर्विस करते थे, बोले लोग तो पेटी की पेटी देते ना, मैंने पूछा आप क्या करते थे, लोग पेटी लेके आते थे लेकिन मैं थोड़ी पेटी पकड़ता था तो पकड़ा जाऊंगा, तो क्या है कुछ नहीं, गाड़ी का वो पीछे का हिस्सा खुल गया और जहां कैमरे लगे वहां कोई आया पेटी अंदर रख के चला गया, कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकता, मुझे पकड़ना। आप लोगों के जो अधिकारियों का जो स्वभाव है, बोले मैं छूता नहीं हूं, बोले आप डाल कर डाल जाओ, आप डाल कर सो डाल जाओ, ऐसे कहीं भोला जी तुम कोई भोला सागर बन गए, बोले मेरे छूंगा नहीं, ये गोलक रखी है हमारे आश्रम में, आप डाल जाओ उसमें। ओहो मित्र ऐसे आचार्य मुनि नहीं बनना है जो गोलक रख के बैठे उसमें डाल जाओ, मोक्ष मारे दिगंबरत मार्ग है। इसलिए भेष शब्द मित्र पद इन तीन का बड़ा विवेक के साथ प्रयोग किया जाए।
मुक्त शब्द जिनागम कितने पवित्र शब्द है, परमागम शब्द जिनागम कितना पवित्र शब्द है। यदि मैं परमागम बोलूं तो तुरंत तुम्हें ऋषभ पंडित जी जज साहब ये आंखें खड़ी कर लेते हैं, कान खड़े कर लेते हैं, बोले क्या हुआ? बोले परमागम बोला महाराज जी ने, मतलब बोले मोक्ष मंडल के भाई घोर आस्त लगता मुझे, यानी एकांत की दृष्टि से परमागम का लोगों ने प्रयोग किया तो परमागम शब्द लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। मोक्ष शब्द का प्रयोग जिनागम का पवित्र शब्द है, ये मोक्ष जाने की आकांक्षा रखता है, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, ऐसा साधक मोक्ष है। क्या श्रावक मोक्ष नहीं हो सकता? मित्र जो मोक्ष की इच्छा करो ऐसा सम्यक दृष्टि जी भी मोक्ष है। एक मोक्ष वो है जो मित्र मोक्ष मार्ग पर चल चुका है, एक मोक्ष वो है जो मोक्ष मार्ग की भावना मारा है। लेकिन जैसे मोक्ष शब्द का प्रयोग करें तो जैसा आप भी समझ लेते हो लगता है कोई जयपुर सोने वाला आ गया है। मित्र आपने मुमुक्ष शब्द को बदनाम करके रख दिया। ऐसे विषय शब्द जो है बेचारा बदनाम हो गया, खोटी आदत में चला गया। पाखंडी शब्द दूसरे स्थान पर पहुंच गया, वली शब्द दूसरे स्थान पर पहुंच गया, ये सब जनागम के शब्द हैं। उत्थान इसलिए चाहिए कम से कम लोगों को मालूम तो चले इतिहास कुछ है, क्रिया कुछ कर रहे हैं। श्रुत को संभालिए, श्रुत को संभालिए, श्रुत को संभालिए। श्रुत नहीं संभालना सब बिगड़ जाएगा। हितकारी है वही बोलो मोक्ष मार्ग हितकारी है, वही चेष्टा करो मोक्ष मार्ग हितकारी हो। जिसके सुनने से, जिसके बोलने से, जिन संकेतों से मायाचारी करना पड़े, त्रियंच अवस्था की प्राप्ति का उपाय खोज जिसमें नहीं, तो यशोधर सागर जी उन कामों से दूर रखो आत्मा को। उन कामों को दूर रखो बेटा, क्षण मात्र की निगाहें माया में बदलती प्रणु सागर, क्षण मात्र की निगाहें माया में बदलती प्रणु सागर जी। पाप दशा है, प्रणामों की दशा है, आपको मालूम नहीं चलता। संकल्प सागर जी कब हमने हाथ यहां रखा था, कब नीचे रख लिया आप भूल जाओगे, पर तीन कैमरे नहीं भूल पाते। उनमें एक बार आ गया आप 10 साल बाद भी देखना चाहोगे उसे मिल जाएगा। इसी प्रकार से परिणाम कब ऊपर हुए थे कब नीचे हुए थे जी भूल जाएगा, लेकिन कर्म बंद नहीं भूलता, वो केवल का ज्ञान नहीं भूलता। कब आपकी आंखें ऊपर हुई थी कब नीचे हुई थी, प्रवचन करते समय हजारों बार ऊपर नीचे आपके नेत्र हो जाते हैं, लेकिन आप भूल चुके हो। स्वयं देख लेना अपने प्रवचनों की वीडियो को कभी, और फिर देख रहे तुम कैसे कैसे बैठे थे, प्रशस्त मुद्रा में बैठे हो तो निश्चय से अपना आपको भद्र दिखेगा, अप्रशस्त मुद्रा में बैठे हो आपको अभद्र दिखेगा। और कभी कभी सुब्रत सागर जी लोगों के चाल ढाल दिखाई देना चाहिए, सबके भोजन की प्रवृत्ति दिखाओ, सबके खाने की शैली दिखाओ, देखो अपने चित्र देखो, आपको शुभ लगेगा हाय हाय मैं ऐसा करता था, कौन कैसा बोलता है सबके एक बार सुनाओ। और कब जब इनको पता ना हो सहज बैठे हो, अब देखो बेटा तुम शुभ देखो अच्छे लग रहे हैं क्या, पर टोके तो कष्ट होगा, शुभ से ही टुक जाओ तो समझ आ जाएगी। हुँ?
एक बार सबको देखना चाहिए अपने जीवन के बारे में, और ये मोबाइल और वीडियो की जरूरत नहीं है, अपने सामायिक में ही समझ लो कि मेरे प्रणामों की दशा क्या है, मेरी भाव दशा क्या है। प्रमाण संभालने की बात कर रहे हैं, और जब प्रमाण का मतलब ज्ञान, और ज्ञान संभल गया तो विश्वास रखना सारा जगत संभल गया। ये पटाखे बगाने बनाने में बुद्धि नहीं लग रही क्या, पटाखे फोड़ने में बुद्धि नहीं लग रही क्या, ऐसा है बैलगाड़ी होला चलाने वाला चालक होता ना तो हजारों किलोमीटर ले जाता है, लोग समझते सामान्य है, और जिनको चलाना नहीं आता ना उनसे पूछना चार कदम पर नीचे पटक देते हैं। ऐसे मित्र माइक लगाना भी एक विद्या है। तब मालूम चलता है कि कितनी आवश्यकता है। वो कौन बालक आकर्षणी मित्र, श्री बेटा गुस्सी मैंने बुलाओ, कब बुलाया नहीं बुलाया ना, बुलाया नहीं मैंने, तो मात्र ये कहा था कि ये भी एक विद्या है, अपने आप आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, अपनी बात रखना पड़ती है, लोग अपने आप समझ जाते हैं। ज्ञानी लोग, वो अज्ञानी भी होते हैं जो बुलाते हैं माइक खराब हो गया है, ये जल्दी आओ लो खराब हो गया। अरे भाई अब श्रेय तुम महाराज जी बन गए, माइक खराब हो गया तो स्वयं उठा के सेट कर लोगे। अरे जज साहब को सुनने की इच्छा है, सुनना चाहे स्वयं करें, मतलब जो मुराज माइक पकड़ के बैठे हैं मतलब उनका माइक ठीक कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि उनकी कीमत तो माइक वाले की होगी, माइक ठीक कर रहे हैं। ओहो तुम कितने नीचे स्तर आ गए, तुम्हारा मतलब माइक ठीक करने के लिए तुम्हारी बुद्धि चल गई तो तुम्हारा स्तर वहीं पहुंचेगा कहां जो भैया माइक ठीक कर रहा है, वो सोचता है कि मेरा काम तो हो चुका है। एवं भूत ने इसे पूछो, भाई आप लोग जैन हो ना सब, यदि जैन हो तो एवं भूत क्या कहेगा दीपक पंडित, यदि कोई व्यक्ति माइक पकड़ के ठीक कर रहा है तो एवं भूत ने कहेगा ये माइक वाला भैया है। ऐसे ही है मुनिराज, यदि आप अपनी हाथ अपना माइक ठीक करो तो माइक वाले भैया बन गए तुम। अब बताइए जिसकी भावने पड़ रही हो, भावने पड़ रही हो, जिसके फेरे पड़ रहे हो, दूल्हा बन के गया है वही मंडप की सजावट करने लग जाए, जिसके फेरे पड़ रहे। पंडित ऐसा आपने किया था क्या कि आपके फेरे पड़ रहे हो वो आपके मंडप सजा रहे हो, तो लोग हंसेंगे भैया कैसा दमाद है, इसने तो पूरी इज्जत ही खराब कर दी। मित्र किसी भी छोटे से छोटे परिवार का बच्चे की शादी होने जा रही होगी वो भी कुछ दिन के लिए दूल्हा राजा बन जाता है। हे मुर्दाज तुम जीवन भर के दूल्हा राजा हो, तुम मुक्त वधु के साथ शादी करने जा रहे हो, इसलिए कोई गृहस्थी काम करने का नहीं, जिनको सुनना है सुनो और नहीं माइक काम करना मौन होके बैठ जाओ, अपने आप जज साहब आएंगे दूसरी मशीन लेके आ जाएंगे। लेकिन हम आप कहो परस बोले जज साहब मशीन खराब हो गई है, जज साहब माइक अच्छा लेके आओ। ओहो इतनी गरीब बनके अपने मुख से कहना पड़ रहा है ये तीर्थंकर महावीर की मुद्रा है, ये तीर्थंकर की मुद्रा है, इसमें शेर बनके चलना पड़ता है, इसमें गीदड़ वृत्ति का प्रयोग नहीं होता है। हाँ परम सत्य है, माइक छुए मोबाइल छुए सब गीदड़ है। यशोधर सागर जी सुना कि नहीं कुछ बेटा, माइक छुए मोबाइल छुए जितने उपकरण छुए लैपटॉप आदि आदि सब गीदड़ वृत्ति है, सिंह वृत्ति में तो मित्र निरंत मुनीश्वर, निरंत मुनीश्वर ये महावीर की मुद्रा है मित्र, ये माइक सुधारने वाले की मुद्रा नहीं है, महावीर की मुद्रा है। महावीर तो बोलते थे दिव्य ध्वनि कीर्ति थी, वाणी फैलती थी।
आइए जय तत्व बुद्ध जय, जिससे तत्व का बोध हो, चित्त का निरोध हो, आत्मा का शोध हो, जिन शासन जिनेन्द्र के शासन में उसे ज्ञान का है, और जैन राग अब आगे चलिए जैन राग महात्मा श्याम सागर जी बेटा जय राग भिज्जत जिससे राग हटे उसका नाम क्या है दीपक बहुत बढ़िया तुमने दो मिनट का तुमने दो सेकंड को भी करे तो मैं आशीर्वाद देता हूँ बहुत अच्छा किया बेटा तुमने बैठ जा मित्र इस यंत्र के ऐसे संस्कार हैं अच्छे काम कर लिए तो कर लिए अंत जैसा बालक बालिकाओं की कुमार कुमारी धर्म का नाश करने में ये मोबाइल बहुत सहकारी है सर्वथा अनर्थकारिणी कुछ ऐसे ब्रह्मजीव हैं उसका प्रयोग जिनवाणी में कर लेते हैं परंतु जिन वाणी का कितना काम करते हैं वो गौण वृत्ति हो जाती है मन की वाणी का कितना प्रयोग करते हैं प्रधान वृत्ति हो जाती है पर ये भी परम सत्य है ठीक बहुत काल चल रहा है जो ग्रंथ खोल करके जो भवितव्यता और जो प्रणामी प्रसिद्धि बनती है और जिन वाणी खोल कर जो पढ़ते तो विनय होती है वैसे मेरे मित्र यंत्रों पर विनय नहीं होती बोले जैसे लोग कहते हैं काल ऐसा आएगा साथ रखे रह जाएंगे इन पर पढ़ेंगे सब लोग पर बोला कितने लंबा काल आ जाएगा लेकिन श्रद्धांत तो शास्त्रों पर ही होगा इस बात को कभी भूल मत कर लेना क्योंकि बहुत सारे अनेक प्रकार के लोग आते हैं संसार में फिर ये भी कहेंगे कुछ दिन बाद महाराज जी बाबों की दशा है कपड़े पहने रहो अब लोग है काल बदल गया है मित्र कितने ही काल बदल जाएंगे कितनी लपेटे काल की आती जाएंगी लेकिन दिगंबर तो कपड़ों में लपेटने वाला नहीं है दुनिया में भेष बनाना पड़ता है और यह जैन शासन में साधु बनने के लिए भेष जितने उनको सबको मिटा दो उसका नाम जैन साधु है जितने प्रकार के भेष हैं, जितने प्रकार के भेष हैं, जितने प्रकार के भेष हैं, सारे भेष मिटा दो मित्र भेषों को मिटा देना प्रधान साधु धर्म नहीं है सारे भेष मिटा डाले सारे भेष मिटा डाले जैसा जन्मा था वैसा हो जाना ये प्रकृति का धर्म है ये प्रकृति का धर्म है उसका नाम दिगंबर दीक्षा है और ये प्रकृति के धर्म जो दिगंबर दीक्षा है अब पंडित साहब हम व्याकरण के पास जाते हैं व्याकरण शास्त्र कहता है जी प्रकृति भाव में आ जाइए तस्मात भक्तियों का भी लोप कर दिया भक्ति का लोप किया पुरुष शब्द था भक्ति शिप लगा दी सी जोड़ दी पुरुषा हो गया पुण्य हम सी ला करके सी का लोप कर देंगे तो पंडित जी प्रकृति में आ जाएगा शब्द प्रकृति में आ जाएगा प्रकृति में आ जाएगा समाज के लिए मित्र आपको प्रकृति में ला करके लिंग बनाना पड़ता है आइए प्रकृति में आ जाइए तो जैसे प्रकृति बहुत ठीक कह रहे मित्र आप मृत संज्ञा है आप बिल्कुल ठीक कहा है प्रकृति में आइए
जो तुम्हारे भावों में विकृति के प्राण फूक गए हैं, जो तुम्हारे भावों में मेरे विकारों के प्राणों की स्वास्थ्य चल रही है, इन विकारों के प्राणों को हटा दीजिए तो प्रकृति में आ जाइए, और प्रकृति में आएंगे तो हम कर्म जो हमारी आत्मा में बह रहे हैं इन कर्मों को भी हटा देंगे तो हम प्रकृति में आएंगे, मेरी आत्मा शुद्ध परमात्मा हो जाएगी, प्रकृति में आ जाएंगे। लेकिन सांख्य की प्रकृति नहीं, प्रकृति यानी स्वभाव, सील साबुन, यहां प्रकृति से स्वभाव लेना, सील लेना, नैसर्गिक लेना, प्रकृति में जाइए। कर्म की प्रकृति की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, सहज भाव। सहज भाव से मतलब दुनिया के सहज भाव, बुद्धि का ध्यान करने वाले सहज भाव की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, सहज भाव। सहज भाव से मतलब सहज स्वभाव, भाव यानी पदार्थ, वो सहज पदार्थ कौन सा है, पुद्गल में सहज स्वभाव है तो परमाणु है, और जीव में सहज स्वभाव है तो चित्त परमात्मा है। सहज भाव, लेकिन भावना तो आपको असहज में ही सहज की भावना पड़ेगी बोला, इसलिए अज्ञानी ज्ञानियों से कहना आप सहज भाव के खंडन मत कीजिए, सहज भाव का आश्रय लिए बिना सहज बन नहीं पाओगे। सहज भाव, सहज भाव, असहाय भाव, शब्दों में क्या जादू है जैसा अखिलेश भैया, सहज भाव असहाय भाव, विश्वास रखना जब तक आपको लग रहा है कोई मेरे साथ है तब तक आप अपने पास नहीं रहोगे। विश्वास रखना ज्ञानियों, आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई है, आप अपने पास नहीं रहोगे। कभी कभी घर के क्लेश भी अच्छे होते हैं, पत्नी ने ठोक दिया, बेटे बेटे अपना मानते हुए मां के पक्ष में चले गए, पिता के पास गए, पिताजी ऐसा हो गया, पिता ने ठोका, कैसा है तुम, पत्नी से ठोक के आ गया, उसने भी डांट दिया, मां के पास गया, बोले मां ऐसा हो गया, बोले मेरे लाल तुम मेरी गोद को बदनाम कर दिया, भाग यहां से, जहां जा गया सबने भगा दिया, अब देखता है दूर से चार दिन बाद देखता बेचारा शरीर में फूले फूले आ गए हैं, सुंदरता भी बदल गई, तो क्या कहता, फिर कहता है क्या है, कैसे है, किनके हैं, कौन है, सुदेव पीना बेटे, अपना देवी अपना नहीं हुआ, मैं किससे बोलू, तो फिर योगी योग प्रेरणा, अनंग सागर जी योगी योग प्रेरणा, हे योगेश्वर अब तो योग में ही जाना पड़ेगा, हमने आपकी मोरादी में चलते चाल भी देखी है, आप दौड़ते थे मित्र, कुछ दिन पहले आपके चित्त लगे हुए थे, क्या बाबूजी बने आप बैठे वहां, ओहो हो उनका दीक्षा दिवस था या फोटो लगे थे इनकी, उन तस्वीरों को देख करके लगा कितना बदलता है जीव, कितना बदलता है, कितना बदलता है, ये तस्वीर भी बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी, मुझे भगवान आत्मा नहीं बदलेगी, तस्वीर शाश्वत नहीं है, तकदीर शाश्वत नहीं है, शाश्वत कोई है जो चित्त स्वभाव है,
साक्षत कोई है यशोदा सागर जी, साक्षत कोई है बेटा, तू चित स्वभाव है, चित स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, ज्ञानिक स्वभाव है, वस्तु स्वभाव है, ये साक्षत स्वभाव है जो कि सर्वार्थ को सिद्ध करने वाले हैं, यही सत्यार्थ है। मित्र नाम भी हो तो ऐसे हो, अखिलेश भैया आपके पिताजी ने ठीक नाम लिखा अखिलेश, अरे कुछ लगता है कि अखिलेश, अखिल विश्व का ईश अखिलेश, लगता कि कुछ है नाम में, चिंकू पिंकू, अरे मित्र लगना चाहिए सिद्धू, तो विषय पकड़ी आप, व्यक्ति भूलने लग जाए अपनी समता को, तब कहो समत्व, साम्यता खो बैठो साम्य, ओहो चेहरा बंदर जैसे बनने लग जाए तो कहना सौम्या, ओहो कहनियो बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाए, विश्व सागर जी विश्व, क्या सुंदर गुरु जी ने नाम दिया है, नाम तुम्हारा सुनते में खुश हो गया था मंच पर, इनकी दीक्षा हुई जैसा वो आज श्री नाम दिया विश्व सागर जी, मैं गदगद हो गया, ओहो आचार्य विराग सागर महाराज जी को जब दीक्षा हुई तो वो अपना नाम नहीं सुन पाए, आचार्य विमल सागर महाराज जी ने संस्कार किए वो नाम सुन नहीं पाए, उन्होंने कहा गुरु जी मेरा नाम क्या रखा है, तो आचार्य श्री मालूम क्या बोले, सिद्धों की पूजा होती है सिद्धों की पूजा, पढ़ते आपने सिद्धों की पूजा, विराग सनातन आचार्य श्री ने जय श्री स्वरूप विराग सनातन, बोले बेटा तुम्हें वो नाम मिला है जो सनातनता की ओर ले जाता है, ना विराग है वही सनातन पद मिलेगा, जो विराग ही नहीं है तो राग राग में कहां सनातन पद मिलता है, उस विराग सनातन का ऐसा सनातन चला कि आचार पद प्राप्त करके आज विशाल संघ के नायक बन गए, ये विराग सनातन है। विराग होगा तभी विशुद्ध आएगा बेटा, अब बोध होना चाहिए और जब विशुद्ध होगी तभी विद्या की सिद्धि होगी, विमलमती ना हो, विमलमती ना हो, विमल मती ना हो तो विशुद्ध मती नहीं हो सकती, विशुद्ध मती के बिना विराग मती नहीं हो सकती, विराग मती के बिना विद्या मती कैसे आ सकती है, इसलिए आपको विशुद्ध चाहिए है। जे रागम विचिचे जिससे राग का वियोग हो, देख पारस तू कहां अंगुलियां घिस रहा है, बालक जिन वाणी में लग जा क्या आनंद है, जगत के सारे आनंद समाप्त हो जाते हैं, वहां पर जिन वाणी मां के आंचल का आनंद आता बेटा, उसमें कोई संकल्प मत करना, जगत के जितने आनंद है क्लेश स्थान है, तो मां जिन वाणी का जो आनंद है वो आत्मा के आनंद को देने वाला है, इसलिए ज्ञान वही है, ज्ञान वही है राग जिससे राग का अभाव हो, बेचन हो, विमुख हो जाए राग, जे से ईसे सु रज दे, जो राग से विमुक्त हो जाए उस श्री से श्री कार्य में अनुरक्त हो जाए, स्वतम पिता पुण्य पाप की खोज करना हो तो आंख बंद करके देखना तुम्हारे श्रम के परिणाम सुबह से शाम किस ओर जा रहे हैं, किसी से मत पूछना अखिलेश भैया, कोई जादू टोना, कोई दुनिया के तंत्र मंत्र, कोई ज्योतिष, किसी से नहीं पूछना, सुबह से शाम तक देखना,
और फिर उनको सतर्क रहना, मेरे भावों की दिशा सत्यार्थ मार्ग की ओर गई है कि विपरीत मार्ग की ओर गई है। जो भोग रहे वो निर्मल गो दिया, ये भूत का पुण्य का फल है। भूत का पुण्यात्मा प्रणाम तो तुमको भोग दे गया, वर्तमान का आसक्त प्रणाम ये भोग नहीं दे पाएगा, उसका द्वार दिला देगा। वर्तमान की जो परिणामों की दिशा है बड़ियात्या जी, उसे देखना चाहिए माँ बे दादा, उसे देखना चाहिए वर्तमान के भावों की दिशा क्या है। ऋषभ सिनेमा हाल की ओर भी जाने के परिणाम होते बेटा, और जिनाले में आने के भी परिणाम होते हैं। दोनों को लगा लीजिए क्या हो रहा है, मंदिर आने के परिणाम चल रहे हैं बेटा, समय में महापुण्यात्मा जीव हूं, और वैशालय मदुरालय जाने के जिसके परिणाम चले वो समझ ले मैं नरक जाने वाला आदमी हूं। अखिलेश भैया मैं तो देख के दंग रह जाता हूँ, ये लोग चाहे ना अनुसारी कम दंग बुद्धि वाले नहीं है, बहुत बुद्धि है, पर क्या करूं बेचारा, माँ का दूध छोड़ देता दूसरे को दूध पीने लगता है। ये चाहे ना इतने ग्रंथ कंठस्थ कर सकते हैं, सुब्रत सागरी काम दो कुछ इनको, काम दो इनको, ऐसा काम दो कि माँ भक्ति से दूर ना जा पाए। जब तुम्हारे प्रणाम पवित्र हो, उसमें सोच रहा हूं कि बेटा कैमरा लेके यहां भी आए हो और किसी की शादी में चले जाओ कैमरा लेकर के, मंदिर में तुम कैमरा घुमाओगे बेटा तो तीन लोग के नाथ की तस्वीर आएगी, और किसी के शादी मंडप में जाओगे तो दूल्हा दुल्हन दिखेगी। अब तुम देख लो क्या हो रहा है, कैमरा मंदिर में लेके आओगे तो तीन लोग के नाथ का चित्र आएगा तेरे कैमरे में, और मेरे मित्र शादी के मंडप में गया तो दूल्हा दुल्हन ही दिखेगी, गाली ही सुनने को मिलेगी भजन में, और यहाँ आएगा तो जिनवाणी सुनने को मिलेगी मेरे प्रवचन में। बस बेटा देख लो इतना अंतर है, ये कैमरा 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 मतलब ये तेरी आंखों का कैमरा, इन आंखों के कैमरे को लेकर ऋषभ मंदिर में आओगे तीन लोग के नाथ मिलेंगे बेटा, गुरु के पास जाओगे तो गीता के गुरु मिलेंगे, और दूसरी जगह जाओगे तो संसार के राह रंगनियाई दिखेंगे तेरे कैमरे में। जैन जिस श्री में अनुभव होता है, जैन मिट्टी प्रभा, एक एक सूत्र ऐसे हैं जिन पर आप हजारों दिन व्याख्या करो। जैन नित्य प्रवाह सज्जय, जिससे नित्य भाव प्रभावित हो, तुम नारायण जिन सांस यहां तो ये लिख रहे मूलाचार की गाथा, जो कहते हैं मूलाचार के अनुसार चलते हो, देख लो मूलाचार की गाथा ये, जैन मैत्री प्रवाह सज्जय, जिससे जगत के प्राणी मन प्रति मैत्री भाव हो। मित्रों ऐसा कोई जगत में जीव ना हो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र है, और जरा सी बात पर टन ना करके भाग जाओ, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र है। हो मित्र विवेक सीखो, विवेक सीखो, प्रज्ञा सीखो, समय पर पंडित जी आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, और जज साहब ने एक दिन आपसे मांग लिया पुलिस साहब 50,000 चाहिए, समय पर ना भूल गई आपसे, जबकि 50,000 दे देते आपको 50 करोड़ का मुनाफा होने वाला था, लेकिन 50,000 में मना कर दिया जीव ने, ऐसा होता जगत में। मालूम चला श्री राम लक्ष्मण सीता जंगल के प्रवास काल में एक पर्वत जी के द्वारे पे पहुंचे थे, और पर्वत जी ने तांडव नृत्य किया था, महापुरुषों को जसाब अपने चबूतरे से नीचे उतार दिया था, और समय देखते समय बदलता है,
वही रामनगर बस गया और राम उसके राजा बन के बैठे हुए थे। वही पूज्य साहब सुना कि किमिच्छिक दान मिल रहा है, वह दान लेने पहुंच गए। राम ने पहचान लिया, लक्ष्मण ने पहचान लिया। राम ने कहा इसको भाई बुलाओ इसको। उसने दूर से पहचान लिया, बोले अब तो मेरे प्राण जाएंगे। लक्ष्मण के आगे तुम कहां दौड़ते? लक्ष्मण ने पकड़ लिया, बोले भाई तू घबरा मत, मेरे भाई राजा राम तुझे बुला रहे हैं। बेचारा कांपता कि अब तो फांसी लग गई। राम ने कहा थाल के थाल सजा के लाओ हीरे मोतियों के, ये प्रभु जी को भेंट करो। डबल दान दिया उसको। धीरे से राम मालूम क्या कहते, प्रभु जी और आ सकता हूं तो और ले जाना, लेकिन अतिथि को कहीं भगाना मत। ब्रह्मचारी को लगा हाय मेरे द्वारे पर आए थे, उन्हें कैसा अभागा, राम जैसे महापुरुष आए हों वो हमने भगा दिया था। पंडित साहब ऐसे ही होता है, ऐसे दिन भी हम लोग देख चुके हैं। सभ्य सागरी एक नगर में मैं गया, बोले महाराज जी अमुक नगर में जाओ तो वहां ठीक रहेगा। उनके ठीक का विकल्प मत करो। कुछ दिन बाद अभी मैं वहीं से निकला, वे गांव वाले आए थे भैया, बोले महाराज जी हमें नगर पधारो। ठीक ठीक ठीक, सबके मन एक से नहीं होते, लेकिन संकट के दिनों में कभी भाव नहीं बिगाड़ना। वो अज्ञानता में बोल दिया, लेकिन उसको पता थोड़े था। और बाद में वही देखता कि महाराज मुझे नहीं था मालूम, मुझे नहीं ऐसे करता भी नहीं, बोले महाराज जी मुझे नहीं था मालूम आप मेरे यहाँ आए थे, हमने आपका कोई ध्यान नहीं रखा, हमने ज्ञानी आपका दोष नहीं है, उस मेरे भाग्य ध्यान नहीं रख रहा था इसलिए ऐसा हुआ था। जब भाग्य ध्यान रखता तो दुनिया ध्यान रखती है, वो भाग्य ध्यान रखता ना मेरे मित्र कहीं भी ध्यान नहीं रखा जाता है। जाओ कल फिर आओगे, ज्ञान दिन शासन में साक्ष सागर ज्ञान है मित्र, वही ज्ञान है जिसमें जगत से मित्र भाव रहे। आत्मा का शुभाव अत्यंत स्वामी की।